एक अलोना कंडा, कंडा जानते हो ना, जो अलोना कंडा किसको कहते हैं, एक होता है गाय का गोबर जिसको थाप दिया जाता है। ये जो थपा हुआ जो कंडा होता है कभी भी यज्ञ में काम नहीं आता, आपको मालूम होगा। अब आज के ज़माने में तो भले आप सब जानते ही हो कि लोग मानते तो कुछ है नहीं, पर जिस पर हाथ का छापा पड़ गया, थप गया, वो यज्ञ में हवन में काम नहीं आता। कि जो थाप दिया जाए, जिस पर हाथ का छापा अधिक पड़ जावे और उसको थाप दिया जाए, वो कंडा कहलाता है और वो पूजन में या यज्ञ आदि में उसका क्रम नहीं है। गाय जब पोटा करे और पोटा करने के बाद वो वहीं सूख गया या उसको उठा कर ऐसा कैसा ही कहीं रख दिया गया, वो सूख गया, उसको अलोनी गोबरी कहते हैं, उसको अलोना कंडा कहते हैं। उस पर कोई छापा नहीं डला है, उस पर कोई ट्रेडमार्क नहीं लगा है, उस पर कोई आपका हाथ नहीं छुआया गया है, उसमें कोई वस्तु की मिलावट नहीं है, वो गाय ने दिया और वो सूख गया, उसको अलोनी गोबरी कहते हैं, अलोनी भस्म कहते हैं। उस अलोने कंडे को लाइए, उसको जलाइए, उसकी भस्म तैयार करिए, उस भस्म को तैयार कर उस भस्म को बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रखकर और उसमें थोड़ा सा भाव, एक भस्म को थोड़ा सा भाव, उस भस्म का एक छोटा सा लिंगायत आकृति सिद्ध कर उसको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रखकर उसका पूजन करिए। और किसके लिए करना है, जो पैसे ले गया और दे नहीं रहा, आपने हाथ पर जोड़ लिए, फोन कर लिए, 50 बार बोल दिया, 50 बार विनती कर दी, वो नहीं दे रहा ना, वो नहीं दे रहा, आप उसके लिए एक भस्म का लिंग तैयार कर उसका पूजन, उसका स्मरण कर उससे विनती कर ले। बाद में उसी का विसर्जन उसी वृक्ष के नीचे जल डालकर धीरे धीरे नाम स्मरण कर छोड़ दे। उस भस्म का थोड़ा सा भाग लेकर आए, मस्तक पर तिलक लगाकर केवल एक बार या तो फोन पर बात कर लें या उसको बोल दें कि हमारा धन दे दीजिए, उसके बाद बाबा जाने और बाबा भस्मी धारी जाने। अब वो भूत भावन भूतेश्वर, भगवान भस्म रमाने वाला, रमैया मेरा शिव, सब जान लेगा। आपको तो केवल एक बार उससे बात करना है या फोन लगाना, फिर बाबा के हाथ में, ये आपके जीवन में बहुत काम आएगा।